उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां सोमवार सुबह कार चलाना सीख रहे एक नाबालिग लड़के ने स्कूली ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा में सवार सभी बच्चे सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद आरोपी ने भागने के चक्कर में जमीन पर गिरी 12 साल की छात्रा कल्पना को रौंद दिया, जिससे लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य स्कूली बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। नाबालिग और ड्राइविंग सिखा रहे युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और कार को भी कब्जे में ले लिया है। दरअसल यह हादसा नवाबगंज थाना क्षेत्र के डॉल्फिन चौराहे के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस बच्ची को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टर्स ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बारे में बच्ची के परिजनों को जानकारी दी गई। मृतक बच्ची के परिवार में हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल बच्चों को सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी जहां हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के बारे में DCP सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि हादसे के बाद राहगीरों और मोहल्ले के लोगों ने कार चालक को दौड़ाकर दबोच लिया। पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ड्राइवर एक बड़े घर के नाबालिग बच्चे को कार सिखा रहा था और इस दौरान कार के अनियंत्रित होने से यह हादसा हो गया। परिजनों की तहरीर पर मामले में FIR दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि हादसे के समय कार की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और कार ने ई रिक्शा को साइड से टक्कर मारी थी। हादसे के बाद ई रिक्शा पलट गया। रिक्शा पलटने से बच्ची कल्पना जमीन पर जा गिरी और कार चला रहा नाबालिग इसके बाद भी नहीं रुका और उसने बच्ची को रौंदते हुए कार को आगे बढ़ा दिया और भागने की कोशिश करने लगा। लोगों को कहना है कि हादसे के बाद अगर नाबालिग ने कार आगे नहीं बढ़ाई होती तो बच्ची की जान बच जाती और साथ ही गंभीर रूप से घायल बच्चे भी सुरक्षित रहते। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है।